यकीन मानो बेटा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। इमन कैसी है? उसे भी साथ ले आती, इस बहाने मुलाकात हो जाती। वो दरअसल मैं फैक्ट्री के विजिट के सिलसिले में आया था। वैसे इमन पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जब चाहे यहाँ आप लोगों के पास आ सकती है। काफी खामोशी है घर पे, सब लोग कहाँ हैं? अपने अंकल की कमी को महसूस कर रहे हो ना? अगर बता देते तो मैं उन्हें बाहर जाने ना देती। घर में रह के वो तुम्हारा इस्तकबाल करते खुशी खुशी। वो वसी अभी आया स्कूल से, मैं उसे बुलाती हूँ। निमरा दिखाई नहीं दे रही। निम्रा का क्या पूछते हो बेटा? ना तो उसके आने का पता है, ना ही जाने का। हमें तो वो किसी गिनती में लाती नहीं। किसी फलाही इदारे में जॉब कर रही है, और वो भी बगैर तनख्वाह के। घर की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती ना, इसीलिए। उसे तो तनख्वाह की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए, ये सब कुछ उसी का है ना। हाँ, बेटा क्यों नहीं। वो अम्मा जी कैसी हैं? हेमंत से ज्यादा खुश नहीं है। आप समझाइए अपनी बेटी को, अपना रवैया बदले, बड़ों की इज्जत करना सीखे। हाँ बेटा, मैं उसे समझाऊंगी। असल में अभी उसकी उम्र नहीं है ना। आहिस्ता आहिस्ता जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब समझ जाएगी। शायद मेरा मतलब है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा बेटा, बताओ तुम खाने में क्या खाओगे? मैं क्या बनाऊं? नहीं, मैं फैक्ट्री में खाना खा लूंगा। शुक्रिया। चलो तुम्हारी मर्जी जैसे। ये लो ना बेटा बिस्किट। अच्छा शुक्रिया, तुम्हारा बुखार कम हुआ है। अनिला प्लीज तुम रेस्ट करना, कल स्कूल से छुट्टी ले लेना, ठीक है? कल मैं नहीं जाऊंगी, मेरे जिस्म में ढाल हो रहा है। अच्छा मैं चलती हूँ अब, चाचा और चाची बहुत नाराज होंगे। अच्छा बेटा, ना ध्यान रखूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अनिला। कुछ खाओगी? लेकर आऊँ तुम्हारे लिए कुछ? नहीं सब खाओगे?